गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड 308 इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी की फोर्थ यूनिट शुरू करेंगे। फोर्थ यूनिट है आपकी सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें पहला आपका टॉपिक है ब्लॉक एंड स्ट्रीम सिफर। तो पढ़ते हैं स्ट्रीम सिफर। स्ट्रीम सिफर प्लेन टेक्स्ट के सिंबल को डायरेक्टली सिफर टेक्स्ट के सिंबल में बदलता है। इसका एग्जांपल है सिंपल सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद में आगे इसमें दिया गया है ब्लॉक सिफर। यह प्लेन टेक्स्ट के सिंबल्स को ग्रुप के रूप में पहले बदलता है और उसके बाद में ये जो ग्रुप है उनको एक ब्लॉक के रूप में इनक्रिप्ट कर देता है। इसका एग्जाम्पल है कोलमनार ट्रांसपोजिशन सिफर। तो कोलमनार ट्रांसपोजिशन सिफर क्या होता है? यह एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो कि फिक्स साइज के n बिट के डेटा ब्लॉक को एक समय में एनक्रिप्ट करता है। ब्लॉक साइज 64 बिट, 128 बिट या 256 बिट हो सकती है। उदाहरण के तौर पर एक 64 बिट का ब्लॉक सिफर 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को एज ए इनपुट लेता है तथा इसे 64 बिट के सिफर टेक्स्ट में एनक्रिप्ट करता है। यदि प्लेन टेक्स्ट की साइज ब्लॉक साइज से कम हो तो प्लेन टेक्स्ट में एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं ताकि उसकी साइज ब्लॉक साइज के बराबर हो सके। इन एक्स्ट्रा बिट्स को पैडिंग बिट कहा जाता है। अब इसके एग्जांपल हैं DES, DDD, AES और IDEA। तो हम पढ़ते हैं DES यानी डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। यह एल्गोरिदम 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को 64 बिट की यूज़ में लेकर इनक्रिप्ट करता है। इसका ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया है जिसमें एज ए इनपुट 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट दिया गया है। फिर इनिशियल परम्यूटेशन करके 16 राउंड्स इसमें यूज़ में लिए जाते हैं और हर राउंड के लिए अलग अलग की यूज़ मिली जाती है। 64 बिट की होती है, उससे राउंड की जनरेटर की मदद से 16 अलग अलग की जनरेट की जाती है। DES में 2 ट्रांसपोजिशन ब्लॉक होते हैं तथा 16 कॉम्प्लेक्स राउंड सिफर होते हैं। प्रत्येक सिफर एक डिफरेंट की यूज़ में लेता है जो कि ओरिजिनल की से ही ड्राइव्ड होती है। अब इसके एक राउंड के अंदर कौन सी प्रक्रिया यूज़ में ली जाती है वो इस डायग्राम में दर्शाया गया है, जहाँ पे जो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है उसको 32 बिट के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया गया है। लेफ्ट साइड की 32 बिट और राइट साइड की 32 बिट। अब इसके आउटपुट में जो इनपुट में राइट साइड की 32 बिट हैं वो आउटपुट की लेफ्ट साइड की 32 बिट बन जाती हैं और लेफ्ट साइड की जो इनपुट की 32 बिट हैं उनका 48 बिट की के साथ एक फंक्शन यूज़ में लेते हुए XOR ऑपरेशन किया जाता है और उसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो 32 बिट की मिलती है जो कि आउटपुट की राइट साइड की 32 बिट की बनती है। ये प्रक्रिया होती है इनक्रिप्शन के दौरान। डिक्रिप्शन के दौरान राउंड में क्या होता है वो इस नीचे वाले ब्लॉक डायग्राम में दर्शाया गया है, जहाँ पे इस राउंड में एज ए इनपुट लेफ्ट साइड की 32 बिट हैं वो आउटपुट की राइट साइड की 32 बिट में चली जाती हैं डायरेक्टली, और इनपुट की जो राइट साइड की 32 बिट हैं उनको एक फंक्शन की मदद से DES फंक्शन की मदद से जिसके अंदर 48 बिट की यूज़ में ली जाती है XOR करके आउटपुट में हमें 32 बिट प्राप्त होते हैं जो कि आउटपुट की लेफ्ट 32 बिट में ऐड कर दी जाती है। ये होता है डिक्रिप्शन में। अब ये जो फंक्शन दिया गया है जो 48 बिट की यूज़ में लेते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है DES फंक्शन। DES फंक्शन DES इनक्रिप्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यह किसी राउंड आई की राइट मोस्ट 32 बिट पर 48 बिट की अप्लाई करके 32 बिट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसा कि ऊपर डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, किसी भी राउंड की राइट साइड की 32 बिट पर 48 बिट की अप्लाई करता है और आउटपुट हमें 32 बिट का ही मिलता है।
अब ये जो DES फंक्शन है वो चार ऑपरेशन से मिलके बना होता है, जिसमें पहला ऑपरेशन आएगा XOR ऑपरेशन, दूसरा एक्सपेंशन परम्यूटेशन, तीसरा इसमें आएगा ग्रुप ऑफ एस बॉक्सेस, और चौथा आएगा इसमें स्ट्रेट परम्यूटेशन। अब DES फंक्शन का एक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया है, जिसमें राउंड की राइट 32 बिट एज इनपुट दी जाती हैं, उसके बाद में एक्सपेंशन परम्यूटेशन लगा के उनको 48 बिट का कर दिया जाता है, फिर इन 48 बिट्स का की के साथ एक्सोर ऑपरेशन किया जाता है, प्राप्त रिजल्टेंट पर एस बॉक्सेज ऑपरेशन लगाया जाता है, और उससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है 32 बिट का, उस पर स्ट्रेट परम्यूटेशन लगा के फाइनल आउटपुट आपका प्राप्त होता है 32 बिट का। अब कुछ मॉडर्न सिफर्स हैं वो देख लेते हैं। एक्सोर सिफर, एक्सोर सिफर में क्या होता है, एनक्रिप्शन के अंतर्गत एक्सोर सिफर में प्लेन टेक्स्ट को की के साथ एक्सोर कर दिया जाता है, रिजल्ट आपको मिलेगा सिफर टेक्स्ट, और डिक्रिप्शन में सिफर टेक्स्ट को की के साथ एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, एक्सोर को ऑपरेशन कर दिया जाएगा सिफर टेक्स्ट का की के साथ, और रिजल्ट आपको मिलेगा प्लेन टेक्स्ट। अब होते हैं अगला, इसमें मॉडर्न सिफर दिया गया रोटेशन सिफर, इसके अंतर्गत नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट सेम है, लेकिन इसके अंतर्गत केवल सिफर टेक्स्ट प्राप्त करने के लिए पोजीशन चेंज कर दी गई है इन बिट्स की। सब्स्टिट्यूशन सिफर, एस बॉक्स सिफर, इसके अंदर एन इनपुट लाइंस, फिर उस पर एस बॉक्स ऑपरेशन लगाया जाता है। एस बॉक्स ऑपरेशन क्या होता है, फंक्शन दैट मैसेज एन लाइन टू एम आउटपुट, एन लाइन के इनपुट को एम आउटपुट, एम लाइन के आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर एन इनपुट बिट्स होंगी और आउटपुट में एम आउटपुट बिट्स मिलेंगी। अब एक और इसमें सिफर दिया गया है, ट्रांसपोजिशन सिफर यानी परम्यूटेशन बॉक्स यानी पी बॉक्सेज। एस बॉक्सेज का मतलब सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेज, पी बॉक्सेज का मतलब परम्यूटेशन बॉक्सेज। अब ये जो पी बॉक्सेज हैं अर्थात परम्यूटेशन बॉक्सेज हैं, ये तीन टाइप के होते हैं, स्ट्रेट परम्यूटेशन पहला है, और दूसरा एक्सपेंशन परम्यूटेशन, और तीसरा है इसमें कंप्रेशन परम्यूटेशन। स्ट्रेट परम्यूटेशन में नंबर ऑफ इनपुट्स और नंबर ऑफ आउटपुट्स इक्वल होते हैं, बस इनकी पोजीशन बदल जाती है। दूसरा आपका एक्सपेंशन परम्यूटेशन, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कम होते हैं, नंबर ऑफ आउटपुट ज़्यादा होते हैं, यानी हमने डेटा को एक्सपेंड कर दिया है, जैसे इस डायग्राम में दर्शाया गया है। नंबर ऑफ इनपुट लाइन इसमें 3 है, जबकि आउटपुट लाइन इसमें 5 दर्शाई गई है। थर्ड वन है इसमें कंप्रेशन परम्यूटेशन, कंप्रेशन परम्यूटेशन में नंबर ऑफ इनपुट लाइंस नंबर ऑफ आउटपुट लाइन से ज़्यादा होती है, यानी हमने आउट डेटा को कंप्रेस कर दिया है, जैसा कि इस एग्जांपल में दर्शाया गया है। नंबर ऑफ इनपुट लाइन इसमें 5 है, तो आउटपुट लाइन इसमें 3 ही है। नेक्स्ट इसमें आएगा DDS। DDS सिफर DES एल्गोरिदम पर ही आधारित होता है। इसमें DES एल्गोरिदम को 3 बार रन किया जाता है, और प्रत्येक DES ऑपरेशन डिफरेंट की यूज़ में लेता है, और प्रत्येक की साइज़ 56 बिट होती है। DDS में ब्लॉक साइज 64 बिट होती है, और यह DES की तुलना में कई गुना स्ट्रोंग होता है, परंतु इसके साथ ये DES की तुलना में काफ़ी स्लो भी होता है। अब DDS में एनक्रिप्शन कैसे होता है, ये इस डायग्राम में दर्शाया गया है, जिसमें एज ए इनपुट 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट दिया गया है, फिर पहला इसमें ऑपरेशन लगेगा एनक्रिप्ट DES और key 1 यूज़ में लेते हुए, फिर दूसरा key 2 यूज़ में लेते हुए ऑपरेशन होगा डिक्रिप्ट DES, फिर तीसरा फिर से एनक्रिप्ट DES key 3 यूज़ में लेते हुए, और फाइनली आपको आउटपुट मिल गया 64 बिट का सिफर टेक्स्ट। डिक्रिप्शन इन DDS, DDS में डिक्रिप्शन कैसे होता है, देखिए इस ब्लॉक डायग्राम में, जहाँ पे एज ए इनपुट 64 बिट का सिफर टेक्स्ट दिया गया है, जो इसमें नीचे लिखा हुआ है, फिर इसमें पहला ऑपरेशन होगा डिक्रिप्ट DES की 3rd यूज़ में लेते हुए, फिर दूसरा ऑपरेशन इसमें होगा एनक्रिप्ट DES की 2nd यूज़ में लेते हुए, फिर से डिक्रिप्ट DES की 1st यूज में लेते हुए, फाइनली आपको 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।